सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल फूडी क्वीन। आज मैं आपको लेके आई हूँ जम्मू सिटी में, सेक्शन 370 लिफ्ट हो चुका है और अब आप भी यहाँ पर बेझिझक आ जा सकते हैं। जम्मू सिटी में आपको मैं लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी डिशेज हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ आपको जम्मू में ही मिलेंगी और आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेंगी, जम्मू में मिलेंगी या कह लीजिए पूरे J&K में मिलेंगे। तो पहला स्पॉट जो है वो है हमारा कलाड़ी। अब आपने कलाड़ी का नाम भी नहीं सुना होगा, आई एम श्योर दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ इंडियन मोज़रेला चीज़, नॉट एग्जैक्टली मोज़रेला चीज़। तो ये जो कलाड़ी है ये यहाँ जम्मू में ही आपको मिलेगी। तो मेरे साथ आज मुझे ज्वाइन करने वाली हैं सूर्या सलाथिया। वेलकम सूर्या, हाउ आर यू? This pretty girl here is a food blogger herself and her channel is Travel and Burp. ये आज मेरी गाइड रहने वाली हैं, लोकल गाइड जम्मू की, मुझे यूनिक यूनिक प्लेसेस दिखाएंगे। सो वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आज हम आए हैं कलाड़ी खाने। जो कलाड़ी है वो कह सकते हैं इंडिजिनस चीज़ है जो कि सिर्फ जम्मू में ही मिलता है। लखनपुर क्रॉस करते ही आपको कलाड़ी जो है बिल्कुल ही मिलेगी। तो मोज़रेला से काफ़ी हटके है ये, पर ये है कि खाने वाली चीज़ है, मतलब आप खाओगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला। मैंने पहले खाई हुई है पर मुझे ये नहीं पता था, हमने खाई थी बनिहाल टनल पे जो मैंने खाई थी, तो मुझे नहीं पता था अब जम्मू में मिलने लगी है। तो जब अब मिल रही है तो इसको मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाते हैं जम्मू की फेमस कलाड़ी, चलिए आइए। सो दिस इज़ द कलाड़ी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए ये अगर आप इसको दबाते हैं तो बड़ी स्पॉन्जी सी है, दिखने में थोड़ी थोड़ी इडली टाइप लग रही है, लेकिन ये चीज़ या पनीर या वॉट एवर ये कलाड़ी है, बस ये बोल दीजिए इसको। सो लेट्स सी द मेकिंग ऑफ कलाड़ी। इसको अब ये धीमी आंच पे इसको सेकते हैं तो ये पूरी मेल्ट हो जाती है चीज़ के जैसे, काइंड ऑफ पूरी स्ट्रेची हो जाती है। फिर इसको आप चाहे तो पराठे के साथ खाइए, बन के साथ खाइए, ब्रेड के साथ खाइए या ऐसे ही खाइए। इसको ये थोड़ा सा किनारों को, मतलब जो आउटसाइड है उसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन करें और इसी में ही अंदर इसका चीज़ भी पिघल जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी फूलने लगी है ना भैया, ये एकदम से बाउंस बैक करती है जब भैया दबाते हैं तो। इसके पकने की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना किचन में से, जैसे पनीर को आप फ्राई करते हो, समथिंग लाइक दैट। ये देखिए ज़रा इसका चीज़ देखिए, वाओ, दिस इज़ जस्ट लाइक चीज़। So this is the specialty of this kalaadi thing. तो ये आ गया हमारा सैंडविच, जो ब्रेड के ऊपर इन्होंने इस कलाड़ी को लगा दिया है और इसके साथ अब ये उसके ऊपर कुछ मसाले डाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा चाट मसाला टाइप है और ये लाल मिर्ची का पाउडर है इसको स्पाइसी बनाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इसमें हल्का सा नमक भी नहीं होता तो ये डाला इन्होंने थोड़ा सा नमक। और ये आ गई ब्रेड का स्लाइस ऊपर। तो ये आ गया हमारा कलाड़ी सैंडविच, देखने में बिल्कुल सिंपल दिखने वाला सैंडविच, ब्रेड और उसके अंदर ये गर्म गर्म कलाड़ी। तो अब इसको तोड़ के देखते हैं हम, जो मैं आपको इसकी ब्यूटी दिखाना चाहती हूँ वो ये है, देखिए देखिए कैसे स्ट्रेच हो रहा है ये पूरा चीज़, वाओ। मैं बहुत बेताब हो रही हूँ उसको टेस्ट करने के लिए। हमें दी गई है साथ में ये चटनी और ये भी इनकी स्पेशल है, ये कह रहे हैं गुड़ और इमली की चटनी है विद सम अनियन। और इसका एक बाइट हाथ से ही खाते हैं, चलिए। सो लेट्स टेक ए बाइट एंड सी हाउ इज़ द टेस्ट। सो लेट्स टेक ए बाइट ऑफ दिस। कैसी लगी आपको? Awesome, awesome. I don't want the bread. I just want to eat this kalaadi itself by itself. This sauce is also awesome, but this kalaadi, oh my god, it's like I don't know. Neither it tastes like cheese, not it tastes like paneer.
ना पनीर का स्वाद ना चीज़ का स्वाद, इसका एक अपना ही अलग स्वाद है और बहुत ही बढ़िया स्ट्रेची कलाड़ी ऐड जम्मू। चलिए पूछते हैं सूर्या से, इनको कैसी लगती है कलाड़ी और कैसी लगी? कुछ दिन में हम खाते रहते हैं। ओके मैं भी टेस्ट करती हूं। कलाड़ी जो है जैसे कि बहुत चीज़ी है और हर जगह आपको ऐसी मिलेगी, पर जो सिंह कैफेटेरिया है ये उधमपुर में भी है और जैसे कि इन्होंने बताया कि जो ब्रांच यहाँ पे खोली है तो इनका कलाड़ी तो बहुत लाजवाब है। जो चटनी है, जो इमली की चटनी जैसे इन्होंने बनाया है कि मतलब मिलती कहीं नहीं है ऐसी चटनी, बहुत रेयर है, उसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा उम्दा स्वाद आ रहा है इसका। स्टार्टिंग ऑफ जम्मू फूड वॉक विद कलाड़ी एंड व्हाट अ गुड स्टार्ट, ऑसम। आई मीन यू मस्ट विजिट जम्मू और उसको टेस्ट कीजिए आके, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। आप श्रीनगर जाएं, कहीं भी जाएं, पत्नी टॉप जाएं घूमने फिरने, वैष्णो माता जाएं। सो हमारे साथ हैं हरप्रीत सिंह जी, कलाड़ी के बारे में इनसे हिस्ट्री जानना चाहती हूँ, तो थोड़ा बताइए कलाड़ी, पहले तो कलाड़ी क्या, इसका नाम कैसे पड़ा, ये क्या चीज़ होती है? कलाड़ी जो है एक चीज़ की फॉर्म है, एक नॉट लाइक चीज़ बट कहीं चीज़ भी है और कहीं चीज़ भी नहीं है, और बेसिक इसका ओरिजिन जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रामनगर से है। तो हम इसको जो है 1968 समवेयर तब से हम इसको सर्व कर रहे हैं, और ये बेसिक जो है उधमपुर की डिश है, तो अब हम इसको जम्मू भी ले आए हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ आपको कुछ इसका प्रोसेस पता है, ये बनती कैसे है? हाँ, जैसे कि हम फ्रेश दूध जब लेते हैं उसको आप माइल्ड गर्म करते हैं, उसको जैसे कहते हैं ना फटाके, तो उसका मतलब ये चीज़ ये बनता है। हाँ, मैंने एक बार ये बनिहाल टनल पे ये बनते हुए देखी थी, तो उसने मुझे बताया था कि इसको कच्चे दूध को ही एकदम बिना उबले ही पहले ही फाड़ देते हैं। जी हाँ, फिर इसको धीमे धीमे पकाते हैं जब तक तो वो सारा उसका पानी सूख ना जाए। और इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा ये टेस्ट इसका आएगा, और बनने में भी इसको 2-3 दिन लग जाते हैं जो इसका ये चीज़ टाइप। तो ये जम्मू से बाहर ले जाने का आपका कोई इरादा नहीं है इसका? नहीं, इरादा तो है लेकिन इसकी मैम एक्चुअली डिमांड ज़्यादा है और इसकी सप्लाई कम है, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड एरियाज में बनती है और काफ़ी हाई रीचेज में बनती है, उस कारण से इसकी जो सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण से ये बाहर निकालनी अभी मुश्किल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी, और प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।